गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने इस क्लास में हम रिप्रोडक्शन इन साइकल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम पिछली क्लास में हमने देखा था साइकल्स का जो रिप्रोडक्शन साइकल्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के बारे में हमने स्टडी की थी, किस प्रकार से वहां पर जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं वो स्पाइरिकली अरेंज होकर के एक कोन का निर्माण वहां पर कर लेते हैं। एक दूसरा मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि जो पिछली क्लास में हमने जो डायोसियस जो वर्ड था उसके लिए हिंदी में गलत टर्म का यूज कर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था वहां पर वो वेलिंग राशि, लेकिन ऐसा नहीं, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें। जो डायोसियस होते हैं, डायोसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रय। क्या होता है? एक लिंगाश्रय मतलब एक जो प्लांट्स होगा उसमें एक ही सेक्सुअल ऑर्गेन्स वहां पर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो दोनों मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जो मेल प्लांट्स होते हैं वो कॉन्स को बेयरिंग करते हैं और जो फीमेल प्लांट्स होते हैं यहाँ पर कॉन्स का निर्माण नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर क्या होता है कि जो फीमेल जो प्लांट्स होता है, फीमेल प्लांट्स का जो एपेक्स पार्ट होता है वो एपेक्स पार्ट क्या करता है, ईयरली ग्रो करता चला जाता है। उसके एपेक्स क्या होते हैं, मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ वहां पर होती है और साथ ही साथ जो वहां पर क्या होते हैं फॉलेज लीव्स का निर्माण भी वहां पर होता चला जाता है। तो जो फॉलेज लीव होते हैं एक प्रकार से वहां पर मेगा स्पोरोफिल्स होती है। तो ये भी क्या स्पाइरली क्लोज्ड स्पाइरली क्या होते हैं, अरेन्ज होते हैं, लेकिन जो एपेक्स पार्ट है उसका प्लांट्स का उसकी ग्रो क्या है, तेज होती है, मतलब अधिक होती है और अधिक ग्रो के कारण से ये स्पाइरली अरेंज मतलब पास पास अरेंज नहीं हो पाते हैं और इस प्रकार से इनके जो फीमेल प्लांट्स होते हैं उन फीमेल प्लांट्स में किसी प्रकार के कॉन्स का निर्माण यहाँ पर नहीं होता। दूसरा जो मेगा स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम को धारण करने वाली जो स्ट्रक्चर होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, मेगा स्पोरोफिल्स होती है। क्या होते हैं? मेगा स्पोरोफिल्स। हम इस मेगा स्पोरोफिल्स की जो इनकी जो संरचना है, इनकी अलग अलग जो स्पीसीज है इनमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि इनकी जनरली माना जाता है कि इनकी जो मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो 15 से 30 सेंटीमीटर के लगभग होती है और इनमें जो पार्ट होते हैं स्टाक होता है, पर्णव्रत होता है, स्टार के बाद लेमिना वाला भाग होता है, पिनेट वाला पार्ट होता है और ओव्यूल्स वाला पार्ट होता है। ओव्यूल्स जो उदाहरण के स्ट्रक्चर वो इसके बेसल जो पार्ट्स होता है, बेसल पार्ट्स भी क्या होते हैं, ओव्यूल्स या मेगा स्पोरेंजियम वहां पर लगी हुई होती है। तो इस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक मेगा स्पोरोफिल्स के रूप में ही होते हैं, यहाँ पर कौन सा निर्माण यहाँ पर नहीं होता। फिर नेक्स्ट कर आते हैं ओव्यूल्स स्ट्रक्चर, ओव्यूल्स की संरचना। जो साइकस प्लांट्स होते हैं उन साइकस प्लांट्स में ओव्यूल्स ऑर्थोट्रोपस टाइप का होता है, रिज्यू प्रकार का होता है। कैसा होता है? रिज्यू प्रकार का। और दूसरा यूनिटेग्मिक ओव्यूल्स वहां पर पाया जाता है, यूनिटेग्मिक एक अध्यावरणी ओव्यूल्स यहाँ पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो ओविल्स होते हैं ओविल्स कहाँ पर अरेंज होते हैं, जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं उनका जो वेसल पार्ट्स होता है वेसल पार्ट्स में ये ओविल्स लगे हुए रहते हैं या मेगास्पोरेंजियम यहाँ पर लगी हुई रहती है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर। जैसे कि इस डायग्राम से ओविल्स की संरचना को समझ सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ओविल्स है, ओविल्स का अनुदैर्ध्य काट है। इस संरचना में हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे बाहर पाया जाता है जो ओव्यूल्स होता है सबसे बाहर इसके इंटेगमेंट होती है। क्या होती है? इंटेगमेंट। और इसकी संख्या कितनी होती है? एक। तो अगर इसको क्या कहा था, यूनिटेगमिक ओव्यूल्स हम कहते हैं। जो इसकी जो इंटेगमेंट होती है वो थ्री पार्ट्स में, थ्री लेयर्स में डिवाइडेड रहती है। सबसे बाहर की मैंने रेड इस एरिया से दिखाने की कोशिश की है, जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो आउटर फ्लेशी लेयर होती है। कैसी होती है? आउटर फ्लेशी लेयर, बाहरी मांसल स्तर। तो ये जो सबसे मोटी होती है और सबसे बाहर होती है ओविल्स की, और कुछ कैसे होती है, मांसल होती है। उसके बाद में आते हैं मिडल स्टोनी लेयर,
जो मध्य जो कठोर भित्ति होते हैं, ये कठोर लेयर होते हैं, इसको मैंने ग्रीन एरियाज के माध्यम से दिखाया। तो ये जो लेयर है इस ओव्यूल से ये कहलाते हैं मिडिल स्टोनी लेयर। क्या कहलाती है? मिडिल स्टोन लेयर। इसके अंदर फिर एक इनर लेयर होती है, ये इनर लेयर होते हैं, ये भी क्या होते हैं? फ्लेशी होती है। जो इनर लेयर को मैंने किस ब्लू जो कलर है इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनर फ्लेशी लेयर। तो इस प्रकार से तीन लेयर यहाँ पर होगी, जो इनर जो इंटेगमेंट होते हैं उस इंटेगमेंट के थ्री पार्ट होते हैं, आउटर फ्लेशी लेयर, मिडल स्टोन लेयर और इनर फ्लेश लेयर। फिर उसके बाद में अंदर आता है म्यूसिलस। क्या आता है? म्यूसिलस, बीजांड काय। तो म्यूसिलस के अंदर हम देखते हैं ये जो भाग है इसको हम कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट्स। ये जो भाग है इसको हम कहते हैं फीमेल गेमेटोफाइट्स। इस फीमेल गेमेटोफाइट्स में दो आर्किगोनिया, ये जो दो संरचना दिखा रहे हैं ये क्या है? आर्किगोनिया है। इसमें दो आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है और इसका जो ये जो भाग होता है यहाँ पर जो आउटर फ्लेश लेयर है इसको कवर किए हुए नहीं रहती, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं इसको? माइक्रोपाइल, बीजांड द्वारा। तो ये जो माइक्रोपाइल वाला जो पार्ट होता है यहीं से क्या होता है, इनमें जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो जो मेल गैमेट्स हैं होता है, मेल गैमेट्स इसके माध्यम से क्या होता है इसके अंदर एंट्री करते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर जो भाग होता है इसको हम कहते हैं पोलन चैम्बर। ये जो आर्किगोने है, आर्किगोने के ऊपर का जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? हम पोलन चैम्बर्स के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से इसके जो ओविल्स होता है इसके ओविल्स की संरचना होते हैं जिसको हम डायग्राम के माध्यम से शो कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ओविल्स, ओविल्स का डेवलपमेंट विकास। जो साइकस है, साइकस में ओविल्स का जो डेवलपमेंट होता है, जो मेगास्पोरिंज का डेवलपमेंट होता है कैसा होता है? यू स्पोरिंज टाइप का होता है। कैसा होता है? यू स्पोरिंज टाइप। यू स्पोरिंज में क्या होता है? कोशिकाओं का जो समूह होता है वह मेगास्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोर, जो मेगास्पोर्स हैं उस मेगास्पोर्स के निर्माण क्या होता है? कोशिकाओं का समूह भाग लेता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो ये जो भाग, ये जो सेल्स होती हैं इसकी स्टार के पास वाले या इसके जो लेमिना वाले पार्ट्स के पास वाले जो बेसल पार्ट्स के सेल्स होते हैं वो क्या होता है? सुपरफिशियल सेल्स हो जाते हैं और वो फर्टाइल हो जाते हैं। मतलब ये जो कोशिकाएं होती है सुपरफिशियल सेल्स और बेसल फर्टाइल पार्ट मेगास्पोरोफिल्स, जो मेगास्पोरोफिल्स होते हैं उस मेगास्पोरोफिल्स की बेसल पार्ट की कोशिकाएं सुपरफिशियल हो जाते हैं और वो फर्टाइल हो जाती है। तो फर्टाइल होने के बाद में वो एक प्रकार से वो जो सेल्स है वो सेल्स का ग्रुप क्या करता है? एक ओव्यूल इनिशियल के रूप में कार्य करता है। किस रूप में कार्य करता है? ओव्यूल इनिशियल के रूप में ये कार्य करता है। इस प्रकार से जो ओव्यूल इनिशियल है इसमें पेरिकुलम डिविजन होता है, इसके माध्यम से क्या होता है इसलिए दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक म्यूसिलस इनिशियल्स के रूप में बनता है और दूसरा कैलेजल पार्ट्स। जो एक तो म्यूसिलस जो निचला भाग होता है बेसल पार्ट और ऊपर वाला भाग होता है कैलेजल पार्ट्स, जो कैलेजल जो पार्ट्स और ये वाला एंड होता है इसको हम कैलेजल एंड्स कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कैलेजल पार्ट्स की कोशिकाओं का समूह बनता है, म्यूसिलस पार्ट्स की कोशिकाओं का समूह बनता है। तो ये म्यूसिल इनिशियल्स है ये एंटीक्लिनल और पेरिकुलर डिविजन के माध्यम से क्या निर्माण कर देते हैं? न्यूसिलस का निर्माण करते हैं और न्यूसिलस के साथ साथ एक जो भाग होता है वो क्या करता है? इंटेग्यूमेंट्स का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण होता है? इंटेग्यूमेंट्स। और जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं इसके कितने स्तर होते हैं? थ्री लेयर्स होते हैं। कौन कौन से? आउटर फ्लेश लेयर, इन मिडल स्टोन लेयर और इनर फ्लेश लेयर। इस प्रकार से इंटेग्यूमेंट्स का निर्माण वहां पर होता है। अब जो कैलेजल पार्ट्स वाले जो बेसल सेल्स होते हैं, इन कैलेजल पार्ट्स की जो कोशिकाएं होती है उनमें से एक कोशिका मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती है। किस रूप में कार्य करती है? मेगास्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार ये जो कोशिका होती है वो कोशिका आकार में अन्य कोशिकाओं की तुलना में क्या होते हैं? बड़ी हो जाते हैं, लार्ज हो जाती है। तो लार्ज होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, अब ये जो कोशिका होते हैं ये मियोसिस में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करेगी? मियोसिस अर्धसूत्र विभाजन में ये प्रवेश करते हैं और अर्धसूत्र विभाजन के माध्यम से जो एक मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं उस एक मेगास्पोर मदर सेल से चार फोर हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। कितने का निर्माण होगा? चार
जो हैप्लोइड मेगास्पोर्स होते हैं उनका निर्माण होता है। इस प्रकार से इसका जो मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं वो मेगास्पोर मदर सेल्स जो स्पोरोफाइटिक प्लांट्स हैं उसकी अंतिम अवस्था होती है, लास्ट स्टेज होती है। और जो हैप्लोइड जो मेगास्पोर्स का निर्माण हो रहा है ये गेमेटोफाइट्स की क्या होती है, प्रथम अवस्था होती है। इस प्रकार से जब इसमें जो ये आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया के साथ साथ इसमें प्रकार से जो फोर मेगास्पोर्स बन जाते हैं, ये जो मेगास्पोर्स में से बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जो तीन मेगास्पोर्स हैं जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ के, ये जो माइक्रोपाइल एंड है, इस माइक्रोपाइल एंड की तरफ के जो तीन मेगास्पोर्स हैं वो तीन मेगास्पोर्स क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या होते हैं? तीन मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और केवल एक मेगा स्पोर्स ही फंक्शनल रहता है। मतलब एक जो मेगा स्पोर्स है वो कार्यकारी रहता है और ये जो एक मेगा स्पोर बचा है ये ही क्या करता है, आगे चल के जब इसका जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होने के बाद में ये क्या करता है, किसका निर्माण करेगा, ये फीमेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जिसकी जो मेगा स्पोर इंजन है उस मेगा स्पोर इंजन या जो ओव्यूल्स है इसके अंदर ही क्या होता है, इसमें इस मेगा स्पोर्स का क्या होता है, जर्मिनेशन हो जाता है। और इस प्रकार से इससे एक फीमेल गेमेटोफाइट की स्टेज होते हैं उस फीमेल गेमेटोफाइट की स्टेज की शुरुआत हो। अब जो है हम देखते हैं मेल गेमेटोफाइट्स के बारे में अध्ययन करें, जो रिप्रोडक्शन साइकिल में जब माइक्रोस्पोर का निर्माण हो जाता है स्पोरोफाइटिक स्टेज के दौरान, तो ये जो माइक्रोस्पोर्स है ये माइक्रोस्पोर क्या करता है, बाद में जर्मिनेशन करता है, अंकुरण करता है। तो इस प्रकार से जो जर्मिनेशन है या जो इससे जो मेल गेमेटोफाइट्स का निर्माण है इसको हम दो स्टेज में डिवाइड करते हैं। पहली जो स्टेज है चेंजेस बिफोर पोलिनेशन, जब इसमें परागण होता है, पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन से पूर्व इसमें क्या क्या चेंजेस होता है। ये जो चेंजेस है एक प्रकार से जो फीमेल जो मेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट है इसको हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा सकते हैं। क्या होता है, जैसे कि जो माइक्रोस्पोर का निर्माण जब हो जाता है तो माइक्रोस्पोर क्योंकि कैसा होता है, किससे बनता है, म्यूसिस के माध्यम से बनता है, तो म्यूसिस के माध्यम से बनता है तो ये हैप्लोइड होता है, हैप्लोइड होता है। इसमें क्या होता है, असमान माइटोसिस की प्रोसेस होती है, समसूत्री विभाजन, असमान समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन के माध्यम से दो प्रकार की कोशिकाएं बन जाती है, एक प्रोथेलियल सेल्स बनती है और दूसरी एंथ्रीडियल सेल्स का निर्माण होता है। तो एक तो प्रोथेलियल सेल्स और दूसरी एंथ्रीडियल सेल्स का निर्माण होता है। फिर ये जो एंथ्रीडियल सेल्स, ये जो प्रोथेलियल सेल्स है तो प्रोथेलियल सेल्स में चेंज हो जाती है और एंथ्रीडियल सेल्स में भी क्या होता है, अब माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के द्वारा यह जनरेटिव सेल्स और दूसरी ट्यूब सेल्स का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये जो जनरेटिव सेल्स, ट्यूब सेल्स और प्रोथेलियल सेल्स, ये जो थ्री सेल है, वन टू और थ्री, तो थ्री सेल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर पोलिनेशन की घटना होती है, क्या होता है, परागण होता है। तो परागण के दौरान क्या होता है, ये जो माइक्रोस्पोर है इसका क्या होता है, परागण हो जाता है और ये फीमेल प्लांट्स के ओवल्स पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जो साइकस है, साइकस में पोलिनेशन थ्री सेल स्टेक्स में होता है, तीन कोशी के अवस्था में यहाँ पर परागण की घटना होती है। तो इस प्रकार से ये चेंजेस जो होते हैं, ये सारे चेंजेस क्या है, चेंजेस बिफोर पोलिनेशन, उसके बाद में इसका क्या होता है, पोलिनेशन हो जाता है और पोलिनेशन होने के बाद में ये माइक्रोस्पोर वापस क्या होता है, अपने जनरेशन स्टेज को क्या, रेगुलर से होता है। बाद में होता है चेंजेस आफ्टर पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद में जो चेंजेस हैं उसमें अब जो जनरेटिव सेल्स हैं, ये जनरेटिव सेल्स भी क्या करते हैं, बाद में समसूत्री विभाजन इसमें होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा इसे दो भाग में बढ़ जाते हैं, दो कोशिकाएं बढ़ जाती है, एक कहलाते हैं स्टॉक सेल और दूसरे कहलाते हैं बॉडी सेल्स। तो एक स्टॉक सेल्स कहलाते हैं और दूसरे क्या कहलाती है, बॉडी सेल्स कहलाते हैं। जैसे कि स्टॉक सेल्स, ये वाली जो सेल्स हैं, ये जो ये तो सेल, ये सेल हो गया आपकी प्रोथेलियल सेल, कौन सी सेल है, ये प्रोथेलियल सेल। प्रोथेलियल सेल्स के जो ऊपर वाली जो सेल्स होगी ये सेल्स कहलाते हैं स्टॉक सेल,
अब ये जो बॉडी सेल्स हैं, ये बॉडी सेल्स भी क्या होता है, समसूत्री बंध के माध्यम से दो कोशिकाएं वहां बन जाती हैं। एक तो एंथ्रोजोइड मदर सेल्स, दोनों जो कोशिकाएं हैं दोनों समान प्रकार के होते हैं, समान आकार के होते हैं, और एक तो एंथ्रोजोइड मदर सेल्स के रूप में कार्य करते हैं, दूसरी भी एंथ्रोजोइड मदर सेल्स के रूप में कार्य करते हैं। इन सेल्स में क्या होता है, अब मॉडिफिकेशन होता है, तो मॉडिफिकेशन होने के बाद में वो जो सेल्स होते हैं एंथ्रोजोइड मदर सेल्स किसमें चेंज होते हैं, मेल गैमेट्स में चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं, मेल गैमेट में चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से दो मेल गैमेट्स यहां पर बन जाते हैं, वन और टू। और एक ये तो क्या, कौन से हो गए, मेल गैमेट्स, और ये जो सेल्स होती है ये वाली ट्यूब सेल्स होती है। इस प्रकार से इसका जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है, इस फीमेल गैमेटोफाइट्स में टोटल कितनी सेल्स पाई जा रही है, प्रोथेलियल सेल्स, स्टॉक सेल, दो मेल गैमेट्स और ट्यूब सेल। इस प्रकार से ये फाइव सेल्ड मेल गैमेटोफाइट्स साइकस में पाया जाता है, और इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से भी जो मेल गैमेटोफाइट्स है इसकी जो सेल्स है इसको हम शो कर सकते हैं। इस प्रकार से साइकस है, साइकस में मेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। थैंक यू।